तो ब्रिटेन में हुए आतंकी हमले पर जी न्यूज की कवरेज लगातार जारी है। ब्रिटेन का ये मैनचेस्टर अरीना जहां पर आतंकवादी हमला हुआ है, मैनचेस्टर अरीना ये वो अरीना है जहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने के लिए। कॉन्सर्ट किसका था? कॉन्सर्ट था सिंगर एरियाना ग्रांडे का, जो अपने वर्ल्ड टूर पर इस वक्त है, और इसी कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने के लिए 20,000 लोग पहुंचे थे। और मैनचेस्टर अरीना में दो धमाके होते हैं ऐसा चश्मदीदों ने बताया है। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने मैनचेस्टर अरीना में धमाके के बाद 19 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है और ये भी कहा है कि करीब 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। चश्मदीदों ने मैनचेस्टर अरीना में अमेरिका के सिंगर एरियाना ग्रांडे के कॉन्सर्ट के बाद धमाके की तेज आवाज सुनने का दावा किया है। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने लोगों से इलाके से दूर रहने की अपील की है। पुलिस को मैनचेस्टर अरीना से एक्सप्लोजिव डिवाइस भी मिले हैं और धमाके के बाद इस अरीना को खाली करा लिया गया है। हालांकि अंदर की स्थिति अभी और साफ होनी बाकी है, लेकिन सिंगर एरियाना ग्रांडे पूरी तरह से सुरक्षित है, ये पुलिस का स्टेटमेंट है। उनके स्पोक्स पर्सन ने भी यही स्टेटमेंट दिया है। इसके साथ ही जो सबसे नजदीकी मैनचेस्टर विक्टोरिया स्टेशन है उससे आवागमन रोक दिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि एरियाना ग्रांडे पूरी तरह से सुरक्षित है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये धमाके के बाद का वीडियो है जिसमें अफरा तफरी का माहौल है। साफ पता चल रहा है लोग कितने डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने 19 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है और ये बताया है कि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। Currently, we have 19 people confirmed to have lost their lives in the explosion and around 50 casualties that are being treated at 6 hospitals across Greater Manchester. We are currently treating this as a terrorist incident until we have further information. We are working closely with National Counter-Terrorism Policing Network and UK Intelligence. और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर परवेज आलम जी हैं जो कि बीबीसी के एक्स जर्नलिस्ट हैं, पूर्व पत्रकार हैं। परवेज आलम, अभी तक पुलिस इसे प्राइमरीली टेररिस्ट अटैक के तौर पर ट्रीट कर रही है, आपको क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, यूके में आईएसआईएस के दबाव को लेकर लगातार जारी अलर्ट्स के बीच में धमाका होता है, 19 लोगों की मौत हो जाती है? मैं समझता हूँ ये मैनचेस्टर में जो घटना जिसकी हम खबरें सुन रहे हैं और पुलिस ने बताया है लगभग 20 के आसपास लोग मारे भी गए हैं, ये बहुत ही बड़ा वाकया है और बहुत ही बड़ी घटना के रूप में ब्रिटेन में इसको लिया जा रहा है। जैसे कि मैं सुबह से इंटरनेट वगैरह पे सारी खबरें देख रहा था और उसकी वजह ये है कि देखिए 2007 में बहुत बड़ी घटना हुई थी और उससे पहले कुछ जो घटनाएं हुई थी, लेकिन ये इतना बड़ा अचानक इसलिए हुआ कि इसकी उम्मीद नहीं थी, ना ही ब्रिटेन को उस लेवल पे अलर्ट पे रखा गया। तो ब्रिटेन में कम से कम 3-4 तरह के अलर्ट होते हैं, इसलिए इस घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। और दूसरे कारण ये भी है कि 8 जून को ब्रिटेन में आम चुनाव होने वाले हैं, तो इसलिए इस घटना के जो रिपरकशंस हैं, जो नतीजे हैं, परिणाम हैं, वो भी बहुत गंभीर नजर आते हैं। सर पॉलिटिकली इसके रेपरकशन जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन सर मई 2014 के बाद से अब तक अगर आप देखेंगे तो 3 साल में सर 16 बार हमले हो चुके हैं और कितनी बार इस तरह की खबरें कि ब्रिटेन से, यूके से लोग जाते हैं सीरिया, लीबिया, आईएसआईएस में ट्रेनिंग लेते हैं, फिर वहां से वापस आते हैं, वीजा पॉलिसी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं और उसके बाद ये काफी सॉफ्ट टारगेट ब्रिटेन बनता जा रहा है, सेंट्रल लंदन बार बार अटैक हो रहे हैं। सर नहीं, मैं दूसरी बात कहूंगा कि छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं जिसमें मतलब ये एक दो लोगों की जाने गई हैं और इंडिविजुअल जिसको टेररिज्म की भाषा में लोन वुल्फ अटैक कहते हैं, इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन ये इतने बड़ी घटना, इतने बड़े स्तर पर घटना नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे अभी पुलिस को बताना होगा कि वो किस तरह की घटना है, आतंकवाद क्या है, नहीं है। तो तीसरी बात यह है कि ब्रिटेन एक्चुअली, दूसरी तरफ मैं तो उल्टी बात कहूंगा कि ब्रिटेन में घटनाएं आतंकवाद कम हुई हैं इतने बड़े स्तर पे, जैसे कि फ्रांस में हुई है, बेल्जियम में हुई है और भी कुछ जगहों से इस तरह की रिपोर्ट आई थी। तो ब्रिटेन अभी पिछले 4-5 सालों में काफी सेफ सुरक्षित रहा है, लेकिन ये मैनचेस्टर से घटना ने एकदम से पूरे दिन को चौंका दिया है और लगता है कि ये हो क्या रहा है। और जाहिर सी बात है, हम 1-2 घंटे के अंदर देखेंगे पुलिस अपनी किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। लेकिन परवेज आलम, मकसद क्या हो सकता है, क्योंकि ये कॉन्सर्ट था जिसमें यंगस्टर्स बड़ी संख्या में शामिल थे, जो लोग मिसिंग हैं वो बच्चे हैं, यूथ हैं,
मकसद क्या हो सकता है इस हमले को लेकर? देखिए, अगर ये आतंकवादी घटना है जैसे कि पुलिस उसको इस वक्त ट्रीट कर रही है, तो जाहिर सी बात है हर आतंकवादी घटना का मकसद ये होता है कि दहशत फैलाना, आतंकवाद फैलाना और लोगों को एकदम से डर और खौफ में मुब्तला कर देना है कि वो अपने घरों पे बैठे रहें, बाहर न निकलें और यहाँ आतंकवादियों को एक तरह की बड़ी जगह से सफलता होती है। इस घटना के बारे में मैं ये जरूर कहूँगा कि बिल्कुल सही था, नौजवान लोग हैं, तीन से सिंगर हैं, इनका जबरदस्त नाम रहा है, ब्रिटेन में एक बड़ी तादाद में लोग देखने गए थे, इनमें घटनाएं ऐसी जो जो चीजें गवाह है वो बता रहे हैं, जैसे मैं देख रहा था सुबह में टेलीविजन देखी थी, ब्रिटेन से टेलीविजन द्वारा से खबरें आ रही थी कि एक बड़ी तादाद में लड़कियां, यंग लोग और माएं अपने बच्चों को लेकर गई थी, तो इसलिए इसकी जो त्रासदी है इस घटना की वो और भी खड़ी हो जाती है। तो बहुत ही मासूम किस्म का प्रोग्राम था, संगीत का प्रोग्राम था, लोग एंजॉय करने के लिए गए थे और उसमें सब हो जाती है। बस मैं और कहूँगा यहाँ पे कि लंदन में सबसे ज्यादा एक बड़ी तादाद में मूल के लोग रहते हैं, यानी कि एशियाई मूल के, जिसमें भारत के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, श्रीलंका के लोग हैं, और इसी तरह से मैनचेस्टर और बर्मिंघम दो बड़े शहर हैं ब्रिटेन के, बहुत बड़े, और इंग्लैंड के खास तौर पर इंग्लैंड के शहर हैं, वहाँ पे भी एशियाइयों की, मतलब ये कि भारतीय मूल के लोगों की, पाकिस्तानी मूल के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है इन दो शहरों में। तो ये भी हमें समझना होगा कि आखिर हो क्या रहा है और इसका जो रिपरकशन से जो परिणाम है वो एशियाई समुदाय पर भी बहुत ज्यादा पड़ सकता है। वो किस तरह के पड़ेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया परवेज आलम से बातचीत करने के लिए।